आज हम बनाने जा रहे हैं एक शॉर्ट कॉलर की कुर्ती जो कि सैनिल वेलवेट पर है। ये बना रहे हैं हम उसका कॉलर। कॉलर टू पार्ट में है, कॉलर अलग है, बैंड अलग है। इसको हम अटैच करेंगे शॉर्ट की तरह। अटैच करने से पहले कॉर्नर्स पर हम धागा डालेंगे ताकि नोक बराबर निकले। दूसरे साइड में भी धागा डालेंगे और अब हमारा कॉलर बन चुका है। बढ़े हुए फैब्रिक को कटिंग करके इसको पलटेंगे किसी भी नोक वाली चीज से बराबर करके, उसके बाद धागे को खींच लें। उसके बाद एक किनारी सिलाई लगेगी। सिलाई हमारी लग गई, नीचे से भी हम पक्का कर लेंगे। अब जो बैंड है नीचे का, जिसको हमने पहले से ही मोड़ रखा है, उसको यहां से हाफ सेंटर मिलाकर ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइंट कर लिया। अब नीचे दूसरा एक कलर रखेंगे और उसको नीचे से हम पलटाएंगे। यहां सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर्स बनाएंगे और पूरा कॉलर हम पलट लेंगे। कॉलर हमारा बन चुका है। अब देखने बनने के बाद आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज हम अटैच करने का आपको तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आगे के हिस्से में 1 से 1.5 इंच सिलाई लगा लें। उसके बाद लास्ट वाले भाग से आप शुरुआत करें ताकि कहीं आगे और पीछे से कहीं से भी कॉर्नर्स कम या ज्यादा ना होने पाए। अब जब आप सिलाई लगाएंगे उसके बीच में एक चटका लगाएंगे जो बीच सेंटर पर आएगा। उसको मिलाने के बाद आप सीधी सिलाई लगाते चले आए। अगर कहीं से भी कम या ज्यादा पड़ रहा है तो उसको आप चेक करके घटा बढ़ा सकते हैं। हमारा लास्ट और फर्स्ट में जो सिलाई लगेगी वो बराबर लगेगी। सिलाई हमारी बराबर आ चुकी है। अब इसको हम करते हैं पक्का। पक्का करने के लिए आपको ऊपर 1 इंच पहले से सिलाई नहीं लगानी है ताकि जब सिलाई दूसरी लगे तो उसी बिल्कुल बराबर से लगे, पता ना चले कि सिलाई अलग अलग है। बड़ी ही आसानी से आप नीचे के भाग को बराबर से करते रहे ताकि कहीं से भी कोई टक्स या झोल ना आने पाए। अब हमारा कॉलर पूरी तरह से बराबर आ रहा है, कहीं से घट बढ़ नहीं रहा है। हमारी लास्ट की सिलाई भी लग चुकी है। तो कॉलर हमारा बन चुका है।